हरियाणा के सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार बेटियों की शिक्षा को लेकर लगातार बेहतर पहल कर रही है। प्रदेश में 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों की बेटियों को स्नातकोत्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दिलवाएंगे। उस शिक्षा के लिए बेटियों को दूर न जाना पड़े, इसके लिए हर 20 किलोमीटर क्षेत्र में कॉलेज स्थापित किए हैं। जहां ये सुविधा नहीं है वहां 150 किलोमीटर तक निःशुल्क बस पास की सुविधा दी गई है। इसके लिए स्पेशल 150 महिला बसें चलाई गई हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को सोनीपत के GVM महिला कॉलेज के ड्रीम प्रोजेक्ट इंद्रधनुष सभागार का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1,80,000 रुपए वार्षिक तक की आय वाले परिवारों की बेटियों को स्नातकोत्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दिलाएंगे। बेटियां भले ही निजी शिक्षण संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करें अथवा राजकीय संस्थानों से शिक्षा लें। चुनाव के लिए पढ़ाई करते समय जब वो जाती हैं बसों में उनको कठिनाई आती है। लगभग 150 बसें केवल महिला स्पेशल ये हम चला रहे हैं ताकि हमारी बेटियों को कहीं दिक्कत ना आए। और जिस रूट पर बसें नहीं होती हैं तो उनको 150 किलोमीटर तक फ्री बस का पास होता है, कोई उनका किराया नहीं लगता है। 150 किलोमीटर तक करवाएंगे जाएंगे, चाहे आर्थिक दृष्टि से है चाहे फीस का मामला है। हमारी सब बहनें खास करके जो गरीब परिवारों से हैं, 1,80,000 रुपये तक की इनकम की जो बहनें परिवारों से आती हैं उनकी MA तक की सब शिक्षा चाहे वो सरकारी हो और चाहे प्राइवेट हो सब में फ्री कराने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की बेटियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, जिसमें सुषमा स्वराज भी एक बड़ा उदाहरण है, जिनके नाम पर प्रदेश सरकार ने 5,00,000 रुपए की राशि के बेस्ट वुमेन अवार्ड की घोषणा की है। उन्होंने कल्पना चावला का उदाहरण देते हुए कहा कि बेटियों ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं।